क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है कि ये मिल्कमैन यूजेस 3 कंटेनर, मतलब दूध वाला 3 कंटेनर यूज कर रहा है, उसका कैपेसिटी है 40 लीटर, 30 लीटर एंड 20 लीटर, और उसने क्या किया है कंटेनर को 87.5%, 80% एंड 90% ही फिल किया है। ध्यान रहे पूरा फिल नहीं किया है, और जो फिल किया उसमें फर्स्ट में जो पानी है दूध का रेशियो 3:2, सेकेंड में 5:1 और तीसरे में क्या है 7:2 है। फिर हमें बताना है कि वो अपने साथ जो लेके जा रहा है टोटल उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है। ठीक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन लग रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा है मिल्क, इधर हमने लिखा है वाटर। जो फर्स्ट वाला सिनारियो है ना उसमें 3.2 या 3:2 का रेशियो है, टोटल कितना है 40, लेकिन क्या 40 का 40 फिल हुआ है? नहीं, 87.5% ही फिल हुआ है। तो 87.5% का मतलब क्या हो गया 7/8। तो 40 का जब 7/8 निकालेंगे तो 35 लीटर आ गया। अभी फिल हुआ है 35 लीटर ही, मतलब कि 5 का वैल्यू, क्योंकि 3 और 2 5 है, 5 का वैल्यू 35 है, 1 का वैल्यू कितना होगा 7, मतलब कि मिल्क हो गया है 21 और वाटर हो गया है 14। ये हो गया फर्स्ट का काम, फर्स्ट कंटेनर से हो गया। सेकेंड कंटेनर में जो रेशियो है वो कितना है 5:1 का, क्या इसको पूरा फिल किया है? नहीं, 30 जो है इसका 80% ही फिल किया है। 80% का मतलब हो जाता है 4/5, तो इसका जब हम 4/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 5+1 6, 6 का वैल्यू 24 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो 5 का वैल्यू है 20 और 1 का वैल्यू कितना है 4। ये हो गया सेकेंड कंटेनर का बात। थर्ड कंटेनर की बात करें तो 20 लीटर का 90%, 90% का मतलब कितना हो गया 9/10, तो 20 लीटर को जब करेंगे तो 20 का 9/10 कितना हो जाएगा 18। अभी इसमें जो रेशियो था वो था 7:2 का, 7:2 का मतलब हो गया 9, 7+2 9 का वैल्यू 18 है, 1 का वैल्यू 2 होगा, तो 7 का वैल्यू कितना आ रहा है 14 एंड 2 का वैल्यू कितना आ रहा है 4। ये हो गया। सो टोटल मिल्क कितना हो गया भाई, मिल्क हो गया 14 एंड 20 24 34 और 21 55, और टोटल दूध कितना हो गया, मिल्क मतलब दूध ही, टोटल वाटर कितना हो गया 4 4 8 14 8 22। सो 55:22, जिसको 11 से कट करेंगे तो आएगा 5:2। सो दूध वाला अपने साथ 5:2 के रेशियो में दूध एंड पानी लेके चल रहा है। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। हमने ट्राई किया है कि सिंपल फॉर्म में आपको प्रेजेंट किया जा सके। तो अगर आपको ये पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जितना भी बेस्ट PYQ है उसका सोल्यूशन आपको प्लेलिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल करा देंगे। धन्यवाद।